दोस्तों, हम अक्सर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया के जरिए सुनते हैं कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया या फिर मजबूत हो गया, और पिछले कुछ समय से तो यही सुन रहे हैं कि रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। लेकिन शायद ही आप जानते हो कि भारतीय रुपए की वैल्यू इतनी नीचे क्यों जा रही है। आप यह भी जरूर सोचते होंगे कि आखिर यह तय कौन करता है कि रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले कितनी रहेगी। तो चलिए आज इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं, और अंत में यह भी बताएंगे कि आपके जीवन पर का किस तरह से असर पड़ता है। चलिए पहले पुराने समय की कुछ यादें ताजा कर लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1991 में भारतीय रुपए का मूल्य 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22.74 रुपए था। 10 साल बाद साल 2001 में रुपए की वैल्यू 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 47.19 रुपए हो गई। लेकिन अक्टूबर 2022 में रुपया डॉलर के मुकाबले 83.26 रुपए हो गया, अब तक के सबसे ऊंचे स्तर को छू गया। अब यह सवाल उठता है कि हमारा रुपया क्या सच में कमजोर हो रहा है या फिर डॉलर ही महंगा हो रहा है। अभी कुछ समय पहले रुपए की कीमत को लेकर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक टिप्पणी की जिसने खूब सुर्खियां बटोरी और सोशल मीडिया पर उसके खूब मीम्स वायरल हुए। उन्होंने कहा था कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। इस वाक्य पर सोशल मीडिया पर मानो मीम्स की बाढ़ ही आ गई थी। देश की वित्त मंत्री कोई बयान दे रही है तो उसके कुछ तो मायने होंगे ही। तो क्या यह मान लें कि डॉलर ही हमारे रुपए की कीमत तय करता है? कहा जा सकता है कि हाँ, कुछ हद तक तो करता है, लेकिन इसके पीछे एक साइंस भी काम करती है। दरअसल भारतीय रुपए की कीमत कब कम होगी और कब ज्यादा, इसके पीछे कई फैक्टर काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं। एक महत्वपूर्ण फैक्टर है ब्याज दर। जरा सोचिए कि जब आपको पता चले कि किसी इंस्ट्रूमेंट की ब्याज दर हाल ही में बढ़ी है तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप अपना सरप्लस मनी यानी ऐसा धन अक्सर खरीदने बेचने के बाद बच जाता है, यानी कुछ अतिरिक्त बचा हुआ धन को एक असेट क्लास यानी गोल्ड या एफडी से निकाल लेंगे और अपने धन को वहां जमा करेंगे जहां अधिकतम रिटर्न मिलेगा। ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट डॉलर की कीमत बढ़ोतरी में चल रहा है। यूएस फेड यानी अमेरिका का केंद्रीय बैंक लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है, जिससे अमेरिकी डॉलर एक आकर्षक निवेश विकल्प बन गया है। दुनिया भर से बड़े निवेशक दूसरे देशों से पैसा निकाल रहे हैं और अमेरिका में निवेश कर रहे हैं, जिससे डॉलर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रहा है। दूसरा, अमेरिका में महंगाई अपने 40 साल के हाई पर है, इसलिए वहाँ ब्याज दरें लगातार बढ़ाई जा रही हैं। उनकी सेंट्रल बैंक की जब जब मीटिंग होती है वो हर मीटिंग के बाद ब्याज दर बढ़ा देते हैं ताकि डॉलर देश से बाहर न जा सके, और ऐसा करने से मनी सप्लाई कम हो जाती है क्योंकि अमेरिका की मनी डॉलर है और बाजार का नियम है कि जिस चीज की सप्लाई कम हो जाती है उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। यही कारण है कि डॉलर महंगा होता जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आरबीआई ब्याज दर क्यों बढ़ा रही है। अभी आपने जाना कि अमेरिका फेड रिजर्व यानी वहाँ का सेंट्रल बैंक लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है, इसलिए दुनिया भर से पैसा वहाँ जमा हो रहा है और डॉलर बाहर नहीं जा रहा। यदि किसी अन्य देश को उससे मुकाबला करना है तो उसे भी ब्याज दर में बढ़ोतरी करनी होगी, इसलिए आरबीआई को भी दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है ताकि निवेश करने वाले हमारे देश से धन ना निकालें। डॉलर के मूल्य में दूसरा बड़ा कारण है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि बड़े निवेशक अपना जमा निकाल कर अमेरिका में निवेश कर रहे हैं, इसलिए दुनिया भर के देशों में डॉलर की कमी होगी। इसका नतीजा हाई डिमांड के रूप में देखने को मिलेगा। अगर किसी देश में एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम होता है तो उस देश के अधिशेष डॉलर जमा यानी जरूरत पूरी होने के बाद बचे हुए डॉलर में बढ़ोतरी होगी, इसलिए उन्हें बाजार से डॉलर खरीदने के लिए अपनी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। इससे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले उस देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। मगर दोस्तों, भारत के साथ ऐसा नहीं है। दरअसल भारत का विदेशी व्यापार इसके पक्ष में नहीं है कि हम जितनी रकम का निर्यात करते हैं उससे ज्यादा रकम का आयात कर लेते हैं। आयात बिलों बाहर से खरीदी गई वस्तुओं के बिलों के निपटान के लिए हमारी करेंसी अमेरिकी डॉलर पर डिपेंड है। अगर हम दुनिया में डॉलर की कमी के बीच डॉलर खरीदते हैं तो हमें अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए अपना भारतीय रुपया ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, इससे देश की करेंसी पर और ज्यादा प्रेशर पड़ता है। डॉलर के दाम ज्यादा होने में मौद्रिक नीति का भी पड़ता है असर। शायद आपको नहीं पता होगा कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की वजह से आपके 500 रुपए की नोट का मूल्य हर दिन बदलता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक रुपए की मांग और आपूर्ति पर कंट्रोल करने के लिए विभिन्न मुद्राओं को खरीदता और बेचता है ताकि रुपए का मूल्य स्टेबल रहे। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि रुपए के मूल्य में बदलाव का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप विदेश में पढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं तो रुपए के मूल्य में गिरावट के साथ आपको उच्च शिक्षण शुल्क देना होगा, साथ ही विदेश में रहने के आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा। बता दें, कैलेंडर वर्ष 2022 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 9.8% की गिरावट आई। ऐसे में विदेशों से आने वाली चीजें महंगी हो जाएंगी। दोस्तों, जब भी रुपए का मूल्य गिरता है तो उसका असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ता है। यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से देश के नागरिकों को प्रभावित करता है।
तो दोस्तों आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर जानकारी बहुत जरूरी लगी है, खास लगी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।